फिर भाई या तो भगा दिया जाए, सुनते रहिए आराम से, फिर जो करना है। अयोध्या हम 90 में आए थे, 92 में आए, फिर 96 में आए, और पहली बार ऐसा हो रहा कि सम्मान के साथ आए हैं, सम्मान के साथ लौट रहे हैं, कहीं जय चक्कर आए हैं, पुलिस पटक पटक के मारी, हाथ पैर तोड़ दिए, तो कोई पूछे वाला नहीं रहा। बहुत सही, जो आज बड़ी अम्मा रिकॉर्डिंग कर लेते हैं घर कि तुम्हारे लौंडे के मारा गवा है, हमारे बाप के बहनों की 200 रुपया ले लो इलाज करा लो, आज उनका फूफा बने, उनका सब कुछ पता रखना है, सब कुछ चाहिए। आज से 10 साल पहले तक का अयोध्या लगभग नक्शे से गायब हो चुका था, किसी ने सोचा नहीं था कि राम मंदिर बनेगा भी। ये योगी जी, मोदी जी और श्री राम भद्राचार्य जी की ताकत थी कि जिन्होंने राम मंदिर बनवाया, पूरे भारत को सनातनमय और राम राज्य की एक स्थापना कर दी। आज पूरा देश राम राम कर रहा। हम कानपुर से आए, अगर कानपुर से पैदल आए तो केवल होल्डिंग पकड़ते हुए चले जाते तो कानपुर पहुंच जाते, 1 करोड़ से ज्यादा होल्डिंग और 2 करोड़ से ज्यादा झंडे लगे, ऐसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतना तगड़ा राम राज ले आएंगे। देखो पहले समय में एक शब्द रहा है दलितुर, तुम यार बड़े दलितुर, तो वही लोग बड़े दलितुर है जो निमंत्रण के बाद नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आ नहीं पा रहे, ईश्वर उनको चाहते नहीं है, अगर वो आने की सोचेंगे तो गाड़ी पंचर हो जाएगी, जहाज उनका फट जाएगा, लंगड़े हो जाएंगे, लूले हो जाएंगे। भगवान किसी पापी को देखना नहीं चाहते नजरों के सामने, इसीलिए वो चाहे के भी नहीं आ पा रहे। देखो ऐसे लोग जब मरते हैं तो कौवा बनते हैं, कौवे की कोई पूछ नहीं होती, केवल पितर पक्ष में पूछे जाते हैं, तुम बेटा या तो कौवा बनोगे या तुतले हो जाओगे या गुंगे हो जाओगे या बहरे हो जाओगे, राम का विरोध ना करो, राम क्षत्रिय है, पटक पटक के मारेंगे, हम लोग ब्राह्मण थे सहन कर गए, लेकिन राम जितने विरोधी है 2024 में अपना हाल देख लें, चाहे वो रामचरित मानस का विरोध करे वाले हो, चाहे ये कार्ड वापस करे वाले हो, और चाहे राम का अपमान करे वाले। देखिए हमको अगर पैसा मिल गया मैडम समय से, हमारा एक बीमा है, या कहीं से चंदा मिल गया, तो हम अयोध्या में एक कोप भवन बनवाना चाहिए, क्योंकि वो जो अधर्मी लोग हैं मंदिर तो जाएंगे नहीं, तो अगर हमारा कोप भवन बन जाएगा तो कोप भवन में आएंगे, उसकी छत से मंदिर देखेंगे, और 3 मंजिला कोप भवन बनवाएंगे, क्योंकि ये सांपों की गठरी इकट्ठा है, एक गठरी में रह नहीं पाएंगे, तो सबका अलग अलग मंजिल में रखेंगे, अलग अलग मंजिल से देखें कि कैसा राम राज, कैसी अयोध्या लग रही। हम केवल इतना कहना चाह रहे हैं कि जो लोग राम मंदिर बनने में, राम मंदिर में अयोध्या में फूफा बने हैं, वो शांत हो जाएं। 22 तारीख बता रहे हो, गलत डेट है, 22 तारीख कोई माली चपरासी तो निकाले नहीं है, कोई बुद्धिमान बुद्धिजीवी निकाली से, या तो 22 में कमी बताओ। राम मंदिर पूरा नहीं बना है तो पंडाल से तो अच्छा ही है यार, जो पंडाल में बैठे रहे। शंकराचार्य जी बड़ा महत्वपूर्ण पद है, हम उनके पैर छू रहे हैं, चरण छू रहे हैं, लेकिन कोई भी शंकराचार्य भीष्म पितामह के समय से लेके अभी तक बतावे कि उसने क्या योगदान किया, जब जरूरत पड़ी थी पांडवों को तो भीष्म पितामह भी कौरवों के साथ खड़े हो गए थे, आज जब राम मंदिर के लिए जरूरत पड़ी शंकराचार्य को तो कह रहे हैं कि मंदिर अधूरा है। अरे तुम एक ईटा लगवाओ, तुम रामचंद्र जी 500 साल तक पंडाल में रहे, तुम 500 घंटा भी पंडाल में रहो, अपन सोने चांदी का सिंहासन छोड़ो, कब हम खाना पीना छोड़ो कि हम राम मंदिर बनाएंगे, तुम यार कुछ करे हो नहीं, जब कोई कुछ कर रहा है तो तुमका बड़ा बुरा लग रहा है, फालतू की बात करा तो यार बने शंकराचार्य। हमको कल के दिन में इतनी खुशी है, जब हमारे एक पुत्र पुत्री हुई उससे 100 गुना ज्यादा खुशी है, आज से हमारा ये जीवन और हमारे परिवार का जीवन योगी जी के लिए, मोदी जी के लिए, भद्राचार्य जी के लिए समर्पित है, आज चाहे हमारी किडनी गुर्दा आते पथरी सब कुछ ले लें, उनके लिए समर्पित है, उनने राम राज ला दिया, अब हम 1 मिनट बाद मर जाए हमका कोई चिंता नहीं, लेकिन हम राम भक्त हैं, पहले हमारे सामने ही सब राम विरोधी जाएंगे एक एक करके, फिर राम जाएंगे।